दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि जब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट पुलिस जैसे फोर्सेस में रिजर्वेशन है तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आरक्षण क्यों नहीं है? क्या आपको लगता है कि अन्य फोर्सेस की तरह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में भी रिजर्वेशन होना चाहिए? और क्या आपको पता है कि ऐसा क्या कारण है जिनकी वजह से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं देती है? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में रिजर्वेशन ना होने से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है तो आप अपनी सभी डिफेंस एग्जाम्स की प्रेपरेशन जैसे कि एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, एफकैट और एसएसबी इंटरव्यू की प्रेपरेशन घर बैठे ही कर सकते हैं एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म से। आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, स्टडी प्लान, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट और बहुत सा कंटेंट मिलता है जो आपको डिफेंस एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करता है। आइए जानते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में रिजर्वेशन क्यों नहीं है। भारतीय सेना शौर्य और वीरता का दूसरा नाम है और भारतीय सेना के शूरवीरों ने तमाम हैरतअंगेज नामुमकिन कारनामों को मुमकिन कर दिखाया है। भारत के ये शूरवीर अगर ऐसे असंभव काम कर पाए तो इसके पीछे की सारी मेहनत और उनको इस काबिल बनाने का श्रेय भारतीय सेना और उसकी स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस को जाता है, जिसमें आर्मी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। दोस्तों, हर साल तकरीबन 30 से 35 लाख युवा भारतीय सेना के विभिन्न पदों के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन भारतीय सेना में चयन सिर्फ कुछ मुट्ठी भर युवाओं का ही हो पाता है जो भारतीय सेना की कठिन चयन प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं, जिसमें रिटन टेस्ट से लेकर फिजिकल और मेडिकल टेस्ट तक किए जाते हैं। ऑफिसर सिलेक्शन के लिए तो एसएसबी इंटरव्यू जैसे टफेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस की प्राथमिक भूमिका देश की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, और इसलिए आर्म्ड फोर्सेस को सबसे प्रोफेशनल तरीके से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता होती है, और इस वजह से प्रत्येक सैनिक का फिट होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा जंगें उन्हीं सेनाओं ने जीती है जिनके सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और हर परिस्थिति में यूनाइटेड रहते हैं। किसी भी तरह का भेदभाव उनकी एकता को और सेना की मजबूती में दरार का काम कर सकता है, और इसकी वजह से सेना को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव ना करते हुए केवल और केवल सबसे फिट युवकों का चयन सेना द्वारा किया जाता है, ताकि उसके सैनिक किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सके। भारतीय सेना अपने स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए और अपने आप को किसी भी दोष से बचाए रखने के लिए अपने सैनिकों का चयन उनकी क्वालिटीज पर करती है। इस सख्त सिलेक्शन प्रोसेस की ही वजह से भारतीय सेना विश्व में सबसे प्रोफेशनल फोर्सेज में शामिल है, जिसका हर सैनिक किसी भी परिस्थिति को हरा कर विजेता की तरह उभरता है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में रिजर्वेशन ना होने के संबंध में जानकारी कि क्यों इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा और भारतीय सेना के साथ जुड़कर एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का मन किया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी रोचक जानकारी मिल सके। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।